Mr. Ali is from Mumbai and he came to us with bilateral renal stones. सर्जरी इनको बिल्कुल मन नहीं था कराने का. उन्हें था सर कि कुछ भी हो आप ट्राई करें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ट्राई करें कि ये स्टोन्स अगर बिना सर्जरी के निकल सकते हो. और एक साइड का पहले कोशिश करते हैं सर, इससे निकल गया तो दूसरी साइड भी हम इसी मोडालिटी से हम ट्रीटमेंट करेंगे. तो जब उन्होंने नॉन सर्जिकल मेथड मांगा मुझसे तो लिथोट्रिप्सी के अलावा और कुछ हमारे पास ऑफर करने के लिए था नहीं. और हमने सर को बताया कि सर मुंबई से आते हैं, इतनी दूर आते हैं तो आपको कई बार आना पड़ेगा इसके लिए, 3-4 बार आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके ये स्टोन्स धीरे धीरे करके निकलने स्टार्ट होंगे. बट सर की मोटिवेशन और सर का जो डिटर्मिनेशन था दोनों ही बहुत ज़्यादा थे और इसी वजह से हमने उनको लिथोट्रिप्सी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. मेरा नाम हुसैन आली है, मैं रहने वाला तो आसाम का हूँ, फिलहाल मुंबई में रहता हूँ. और बहुत साल से मेरा दिक्कत है कि पथरी, ये दवाई सब सारी दवाई लिया कुछ नहीं होता है. फिर अभी लास्ट में दोनों किट में बहुत बड़े बड़े पथरी हो गए, एक में 16 mm का, एक में 12 mm प्लस और बारीक बारीक है. तो ये लास्ट में मेरे को डर लगता है कि एक इंजेक्शन लगाने में बहुत डर लगता है. अभी दूरबीन सर्जरी वगैरह बहुत डर लगता है. फिर यूट्यूब देखते थे, यूट्यूब में देखा ये रमन सर का ये सब, फिर मैं कॉन्टेक्ट किया, नंबर मिला, सर ने बोला ठीक है हो जाएगा तुम्हारा ये सब, रिपोर्ट वगैरह मेरे को भेजो. मैं रिपोर्ट भेजा सीटी स्कैन का, सर बोला हो जाएगा आ जाओ. इधर आने के बाद सर ने जो प्रोसेस किया है मेरे को बहुत अच्छा लगा. कुछ गोली दवाई कुछ नहीं, एक बैलून की तरह जो भी इधर एक मशीन लगता है, डुम डुम थोड़ा हल्का सा आवाज़ आता है, लेकिन उससे फिर बाद में यूरिन के साथ बारीक 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 निकलते गए फिर पूरा क्लियर है अभी. इसके लिए राइट साइड में तो सर ने एक ही बार किया था, लेकिन लेफ्ट में 2 या 3 बार किया था, पथरी शायद थोड़ा खड़ोक जो भी कुछ है सर मालूम है. लेकिन मेरे को बहुत अच्छा है, कोई एक इंजेक्शन ना कोई काटपीट कुछ नहीं प्रॉब्लम. तो जब हमने लिथोट्रिप्सी स्टार्ट की तो हमने देखा कि सेकंड सिटिंग से ही सर के स्टोन्स जो हैं वो धीरे धीरे टूटने स्टार्ट हो गए थे और धीरे धीरे करके वो निकलने भी स्टार्ट हो गए थे. तो टोटल 4 सिटिंग्स हमने लेफ्ट किडनी में दिए और जब सर का वो पूरा किडनी का स्टोन क्लियर हो गया, आई थिंक उसमें सिर्फ 4-5 mm के कुछ तब कॉन्क्रीशंस बचे थे, तब हमने फिर राइट साइड के लिए भी लिथोट्रिप्सी को स्टार्ट किया. राइट साइड के जो स्टोन था वो एक ही बार में पूरा का पूरा क्लियर हो गया और फिर राइट साइड की कुछ सिटिंग्स का कुछ हिस्सा हमने लेफ्ट में फिर 1-2 बार लिथोट्रिप्सी के सेशंस करने के लिए यूज़ किया, जिससे फिर कम्प्लीटली लास्ट में स्टोन जो है वो पूरे के पूरे दोनों किडनी से क्लियर हो गए. तो अभी जो इधर से जब गया था प्रोसेस के बाद, घर जाने के बाद हर बार यूरिन के साथ 2-3-4 पीस निकलते गए. मैं वो सब उठा के सार को दिया, इधर दिखाया, ऐसे तो सब क्लियर हो गया. अभी तो पूरा क्लियर, प्लस इधर जो बैलून जो लगाया था, प्रोसेस जो था आपका सार का लिथोट्रिप्सी, इसमें अंदर कोई तकलीफ नहीं है. थोड़ा मोड़ा आवाज़ आता है डुम डुम डुम, लेकिन कुछ तकलीफ नहीं उसमें, बिना तकलीफ से बस हो गया. मैं तो बहुत खुश हूँ इसमें. और बाकी सबको कोई भी ऐसे बीमारी तो उनको बोलता हूँ बाकी सब प्रोसेस ये प्रोसेस बहुत अच्छा है. एक नंबर ये प्रोसेस में कोई डरने का बात नहीं है. दूसरा नंबर है पैसा कम लगता है. दूरबीन सर्जरी में पैसा भी ज़्यादा है, तकलीफ है, प्लस बोलता है 6 महीने तक तुम कुछ भी वजन सामान उठाओ मत. इसमें ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं तो इधर आता हूँ आधा एक घंटा ये काम खत्म, फिर डायरेक्ट जाता हूँ मुंबई, जाके अपना दुकान का काम करना शुरू. पैसा भी कम लगता है, तकलीफ भी नहीं, कुछ नहीं. तो बाकी सब जो भी ऐसे तकलीफ में इनको मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा प्रोसेस है. दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि लिथोट्रिप्सी एक फोकस साउंड वेव थेरेपी है और ये स्टोन को कितनी जल्दी तोड़ेगी और कैसे तोड़ेगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट स्टोन की हाउंसफील यूनिट को देख के जो कि एक सीटी पे हमें पता लगती है कि वो कितना हार्ड स्टोन है, वो जानने के बाद और कभी कभार एक एक्सरे से एक रफ आइडिया लेने से भी हमें पता लग सकता है कि स्टोन कितना लाइट है या कितना डेंस है. और अगर ये एक तरफ किडनी में स्टोन तोड़ना शुरू कर दे तो यूजुअली दूसरी तरफ भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को मिलते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो स्टोन्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से बन रहे होते हैं. तो जिस तरह का स्टोन राइट साइड बन रहा होता है यूजुअली उसी तरह का स्टोन जो है लेफ्ट साइड में भी बन रहा होता है. तो बायलेटरल स्टोन्स जिनको पेशेंट्स को हैं, जो दो सर्जरीज को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए भी लिथोट्रिप्सी एक बहुत अच्छा तरीका है इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए. बट जैसे कि आपने देखा मिस्टर अली के साथ कि इसके डिटर्मिनेशन मोटिवेशन इनकी बहुत ज़रूरत है, कई बार इसमें आना पड़ता है, बट अगर आप पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली हम इससे जीत सकते हैं.